हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसमें आप लोग यस बैंक को सेल करके इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। मेरी कहने का मतलब है भाई, आप लोग यस बैंक को सेल कीजिए और इस कंपनी में पैसा लगाइए, 1 से 1.5 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। यस बैंक को होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट खुलते ही यस बैंक को सेल कीजिए और इस कंपनी में पैसा लगा दीजिए। नंबर 1 कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। ये कंपनी हर साल अच्छा खासा भाई रिटर्न बना के देता है। आप लोग का भाई पैसा बन रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो बेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, उनके प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 18 में था वो 4045.35 था, सितंबर 17 में और सितंबर 19 में देख लो 5696.63 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 4045 से 5696 हो चुका है और किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज सितंबर 18 में टोटल इनकम था वो 4093.39 था सितंबर 18 में, और सितंबर 19 में देख लो 5697.70 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 4093 से 5697 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है और किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज सितंबर 18 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 2840.64 था सितंबर 18 में, और सितंबर 19 में देख लो 3875.13 हो चुका है। तो देख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 2840 से 3875 हो चुका है और किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है। क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज सितंबर 18 में जो एबिटा था वो 2888.68 था सितंबर 18 में, और सितंबर 19 में देख लो 3876.20 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 2888 से 3876 हो चुका है, और ये भी किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बेस का शानदार है। क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज सितंबर 18 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 920.28 था सितंबर 18 में, और सितंबर 19 में देख लो 1376.67 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 920 से 1376 हो चुका है और किसी भी क्वार्टर में कम भी नहीं रहा है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज सितंबर 18 में जो पैट था वो 920.28 था सितंबर 18 में, और सितंबर 19 में देख लो 1376.67 हो चुका है, और ये भी किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है। तो भैया, मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप लोग ने खुद देखा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ। पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे भाई, तो देखो नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 5381.80 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 17383.97 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज 5381 से 17383 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 5418.23 था मार्च 15 में,
और मार्च 90 में देख लो 17,400.85 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो, कहीं से भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 3,604.41 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 12,094.64 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 3,604 से 12,094 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। एविट्टा देख लो, एविट्टा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एविट्टा था वो 3,640.84 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 12,111.52 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एविट्टा है ईयर टू ईयर वाइज, 3,640 से 12,111 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एविट्टा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भाई, तो आपका पैसा बहुत ही तेजी से बनेगा। तो इस कंपनी में पैसा लगाइए, निफ्टी 50 का स्टॉक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 897.87 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 3,890.34 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 897 से 3,890 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 897.87 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 3,890.34 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका रिपोर्टेड पैट है ईयर टू ईयर वाइज, 897 से 3,890 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। तो आप सभी लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। जिन लोगों को लॉस हो रहा है यस बैंक में, मेरी उनसे गुजारिश है आप लोग भैया लॉस बुक करो, और लॉस बुक करके इस कंपनी आप लोग पैसा लगा दो, 1 से 1.5 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। क्वालिटी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, और सबसे भरोसेमंद कंपनी है। इस कंपनी का मेरे पास भाई 380 शेयर हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया भाई, वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और भैया आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 13,493.38% है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा 10 साल में। सेंसो का रिटर्न है वो 136.07% है। तो भैया आप लोग यस बैंक को बेचो, यस बैंक को बेच के बजाज फाइनेंस कर दो, क्वालिटी कंपनी है भाई, नंबर 1 कंपनी है, 1 से 1.5 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर आप यस बैंक को होल्ड करते हो तो भैया आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, और एवरेज भी करते हो तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हो। मार्केट खुलते ही यस बैंक को बेच दीजिए, इस कंपनी में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर आप लोग बजाज फाइनेंस से पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा लगा दो, उसमें भी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। HDFC AMC में पैसा लगा दो, उस कंपनी में भी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। जितना समय आप यस बैंक में दे रहे हो ना, उससे अच्छा है कि आप इन कंपनी में पैसा लगा दें, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर आप नहीं बेचते हो तो भैया आप रोडपति बनने के लिए रेडी हो जाओ। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, देख सकते हो 350% रिटर्न है भाई। सेंसो का रिटर्न 51.09% है। 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में 65.96% है। सेंसो का रिटर्न 14.97% है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में 55.77% है। सेंसो का रिटर्न 12.04% है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में -3.21% है। सेंसो का रिटर्न 0.17% है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में 1.11% है। सेंसो का रिटर्न -1.07% है। 1 डे में देख लो, 1 डे में 1.19% है। सेंसो का रिटर्न 0.43% है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, यस बैंक को बेच के बजाज फाइनेंस में पैसा लगा दीजिए, 1 से 1.5 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं,
मैं कोशिश करूंगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। बजाज फाइनेंस का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ भाई। तो देखो, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 56.15% होल्डिंग है। FIs के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 22.51% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में FIs की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 7.43% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 0.96% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है 1.22% होल्डिंग है। नॉन इंश्योर इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 11.37% होल्डिंग है। कोई भी शेयर बजाज फाइनेंस का भाई प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 52% का होल्डिंग है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 3% का होल्डिंग है भाई। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 8% का होल्डिंग है। वैल्यूशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बजाज फाइनेंस का। पी रेशियो बजाज फाइनेंस का 48.59 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू बजाज फाइनेंस का 10.86 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड भाई बहुत ही गंदा है बजाज फाइनेंस का, 0.15% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी रेट देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया है, जबकि यह फाइनेंस सेक्टर एक कंपनी है, 13.52% का है। आरओई देख लो, उससे भी बढ़िया है, 22.35% का। तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि ये फाइनेंस के बिजनेस में है भाई। वैल्यूएशन देख सकते हो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। तो भैया ये स्टॉक 2000 का था तभी महंगा था, 3000 का था तभी महंगा था, आज भी महंगा है, आने वाले सालों में महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला है। क्वालिटी कंपनी है, आप किसी भी प्राइस पे खरीद लेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। बजाज फाइनेंस का फेयर जो वैल्यूएशन होगा वो 1156 से 1515 के बीच फेयर वैल्यूएशन होगा, जो कि कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ बजाज फाइनेंस का, एक्सलेंट बता रहा है भाई। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का बजाज फाइनेंस का और 34.76% का है। एविड ग्रोथ जो 5 ईयर का बजाज फाइनेंस का और 35.02% का है। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ, एविड ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, 35% का भाई एविड ग्रोथ बहुत ही अच्छा माना जाता है। आवास फाइनेंशियल का एविड ग्रोथ जो था वो 56% का था भाई। यहाँ पे भी देख सकते हो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 13,493% रिटर्न है, 5 साल में 1,122% रिटर्न है, 3 साल में 350% रिटर्न है, 1 ईयर में 65% रिटर्न है, ईयर टू डेट में 52% रिटर्न है। तो देख सकते हो भाई कंपनी लगातार रिटर्न बना के दे रही है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए, क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। यस बैंक को बेच के बजाज फाइनेंस में पैसा लगा दीजिए, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा 1 से 1.5 साल में। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 4,256.30, 52 वीक लो है 2,330 रुपया। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है। कुछ दिन में इस कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का भी हो जाएगा, और आने वाले समय में इस कंपनी का मार्केट कैप भाई 2.5 लाख करोड़ का भी होगा, 3 लाख करोड़ का भी होगा, 5 लाख करोड़ का भी होगा, 10 लाख करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पैसा लगा के रखिए, बढ़िया कंपनी है भाई, निफ्टी 50 का स्टॉक है। बजाज फाइनेंस का पी जो है 52.37 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई 36.94 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले बजाज फाइनेंस का पी हाई है। बजाज फाइनेंस का बुक वैल्यू जो है वो 322.94 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो बहुत ही बढ़िया है भाई, 77.08 का अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड बजाज फाइनेंस का बहुत ही गंदा है, 0.15% का डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 10 का है। बजाज फाइनेंस का भाई आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस कंपनी को पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, यस बैंक को सेल करके बजाज फाइनेंस से पैसा लगा दीजिए, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा 1 से 1.5 साल में। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाकर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।